नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस टॉपिक पे कि मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे झूठ क्यों बोलता है, मेरा ट्विन फ्लेम मुझसे चीज़ें हाइड क्यों करता है, हर चीज़ क्यों नहीं बताता, और मुझे हर उसकी चाल, हर चीज़ का पता क्यों नहीं लगता। इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं एंड आई विल कवर ऑल द पॉइंट्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक वन ऑफ द स्टूडेंट्स, कल वो आए थे हमारी वर्कशॉप पे और उनका ये सवाल था कि मेरा ट्विन फ्लेम झूठ क्यों बोलता है। एंड आई फील इस सवाल से आप सबको बेनिफिट होगा इस आंसर से, अगर आप पूरा इस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर है, सो आपके माइंड का मिरर है। जो भी आपका माइंड में है, जो चीज़ें आप सबकॉन्शियसली नहीं देख पा रहे, वो उसको सामने प्रकट कर देता है। एंड दैट इज़ वाई ये डिवाइन रिलेशनशिप बन जाता है, अगर आप अपने प्रोग्रेस, एवोल्यूशन और असेंशन के मार्ग पे चलते हैं। तो ट्विन फ्लेम का आपकी ज़िंदगी में आना एक और मकसद है, विच इज़ दे आर योर गुरु। आपके फर्स्ट गुरु वो हैं। वो कैसे बनते हैं गुरु? बाय शोइंग यू थिंग्स। आपकी लाइफ में वो जगह दिखाने, आपके माइंड की वो जगह दिखाने जहाँ पर आप नहीं पहुँच पा रहे हो, आप अपने माइंड को टोटली नहीं देख पा रहे हो, पर वो रिफ्लेक्ट करते हैं। यू आर वन माइंड। सो इसके दो बेनिफिट्स हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, वो सारी चीज़ें जो आप अपने माइंड में खुद से नहीं देख पाते हो, आपका ट्विन फ्लेम आपको दिखा देता है। सेकेंड इसका ये बेनिफिट है, यू हैव फुल कंट्रोल ओवर इट। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जर्नी। जब आप अपने माइंड को चेंज करते हो, जब आप अपनी चॉइसेस लेते हो, अपना इनर वर्क करते हो, अपने माइंड को पूरा बदल डालते हो, आपका ट्विन फ्लेम भी बदल जाता है। सो दिस इज़ गुड न्यूज़। सेकेंड, या सो वो झूठ क्यों बोलता है? झूठ कब बोलते हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम डर रहे होते हैं, ठीक है, किसी बात का हमें डर है, या हमें लगता है कि अगला जो है सुन के या तो उसको हर्ट होगा, सामने वाले को बुरा लगेगा, या जजमेंट आएगी, या हमें लगता है कि आई विल नॉट बी एक्सेप्टेड, इसलिए हम झूठ बोलते हैं। सो ये सब पॉइंट्स आप या तो डायरी में लिख लीजिए या आप याद कर लीजिए जो जो मैं कह रही हूँ, बिकॉज ईच वन ऑफ देम अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं है, आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं है, आप उसको एक एक करके क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आई विल हाईली रिकमेंड इनर वर्क की एटलीस्ट फर्स्ट वाली जो वीडियो है, मैं यहाँ पे लिंक भी कर दूंगी, फर्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें मिरर एक्सरसाइज पे, बिकॉज दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट द मैक्सिमम। तो इसमें हमारा अपसेट ये है, आई एम अपसेट एट माई ट्विन फ्लेम बिकॉज ही इज़ लाइंग टू मी और हाइडिंग फ्रॉम मी। आई एम अपसेट एट माई सेल्फ, सेकेंड स्टेप, आई एम अपसेट एट माई सेल्फ बिकॉज आई एम लाइंग टू माई सेल्फ और हाइडिंग फ्रॉम माई सेल्फ। हम कहाँ अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, कहाँ अपने आप से चीज़ें हाइड कर रहे हैं? तो ये काम हम इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाले को या अपने आप को हम लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। कहीं पे हमने अपनी फैमिलीज को आगे रख दिया होता है, कई बार बचपन में अपने पेरेंट्स को आगे हम रख देते हैं, या हमारे जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको हम आगे रख देते हैं और हम पीछे अपने छुप जाते हैं। सो कई बारी हम अच्छी चीज़ें भी लोग से छुपाते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो कहीं पे ये प्रचलित है कि नज़र लग जाती है। सो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस बिकॉज मुझे लगता है ये सुपरस्टिशन पे बहुत लंबा टॉपिक होगा माइंड को क्लियर करने के लिए। नज़र तब नज़र नहीं लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आपको नज़र नहीं लगा सकता, देर इज़ नथिंग लाइक दैट, इट इज़ बुलशिट। बट अगर किसी की लाइफ में ये एक्सपीरियंस होता है कि ओ उसकी नज़र लग गई इसीलिए ऐसा हुआ था, बिकॉज आपके अंदर फियर है। लोग, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड आपके फियर का फ़ायदा उठाता है। आप अगर ये फियर को अंदर से क्लियर कर देते हैं तो कोई ना नज़र लगा सकता है, ना आप पे कुछ कुछ भी कर सकता है, ना हार्म कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना आपका ट्विन फ्लेम कोई चीज़ हाइड करेगा, क्योंकि आपको किसी बात का डर भी नहीं होगा, राइट? सो बेसिकली आपको उसको पहचानना है कि आपको किस बात से डर है, जिस बात से आप लोगों से चीज़ों को छुपाते हैं या अपने आप से चीज़ों को छुपाते हैं। सो
इसमें हम डीप चल सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी गहरा है और हर स्टूडेंट का डिफरेंट रीज़न होता है और हर स्टूडेंट का पर्टिकुलर फीलिंग से पता लगता है रीज़न क्या है। मैंने आपको ऊपर लेयर बता दी है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, उन उन जगह पे देखना है कहाँ पे मैं अंदर बाहर एक नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई अच्छा काम करके आती हूँ और मैं बस अपना क्रेडिट नहीं लेती, नहीं नहीं ये तो भाई ऐसा है ऐसा, दिस इज अंदर बाहर कुछ और, ठीक है। और कहाँ पे हम सोसाइटी से चीज़ें छुपाते हैं, कहाँ पे हम सोसाइटी के डर से या मम्मी पापा के डर से या टीचर्स के डर से, हो सकता है बचपन में कोई नोशन आपके बैठ गया हो कि ये चीज़ छुपानी पड़ेगी, राइट। या फ्रेंड सर्कल के प्रेशर से आके आपको ये छुपाना पड़ता है कि कुछ चीज़ आपको पसंद है या नहीं पसंद है। तो आप अपने ऊपर जेन्युइनली नहीं ट्रस्ट कर रहे, आप अपने ऊपर जेन्युइनली कमिट नहीं हो रहे हो, आप अपने से ही हाइड करने लग जाते हो चीज़ें। ज़बरदस्ती आपने एक पर्दा बना लिया होता है कि नहीं 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 मैं ऐसी हूँ एक्चुअली, पर कुछ कुछ चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं आपने पीछे कर दी हैं और वो आप हाइड करने लग जाते हैं, आप अपने आप से ही हाइड करने लग जाते हैं, वो सबकॉन्शियसनेस में चली जाती है। सो योर ट्विन फ्लेम स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग लाइक दिस। तो ट्विन फ्लेम जो है, अगर कहते हैं मिरर है तो मैं तो अच्छी हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम क्यों बुरा है, ये इसलिए क्योंकि अगर आपकी कॉन्शियसनेस में 5% भी कोई फियर है ना, तो वो 100% हाईलाइट करके दिखाएगा, ताकि आप उसको क्लियर करें और आप दोनों उस फियर से फ्री हो जाएं। सो हाईली रिकमेंड गाइज, ज्वाइन माई ग्रुप कोचिंग, ज्वाइन वन टू वन सेशंस, मेरे सब वेबसाइट पे अवेलेबल हैं बुक सेशंस, एंड मैं आपको गहरा लेके जा सकती हूँ एंड वी कैन पुल आउट दैट फियर, ताकि ये कभी भी रिपीट ना हो आपकी लाइफ में, ना ट्विन फ्लेम के साथ ना किसी और के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट एंड राइट कॉमेंट्स एंड आई विल बी इन टच विद यू। थैंक यू, बाय।